मोदी ने दिवाली के इस मौके पर चार दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला। इंडिया हमारा लेवल बहुत नीचे है हमारा, इंडिया से बहुत ज़्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, मान ले पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। अब जलेबियां ना खाई हो, फुलझड़ियां ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, अगर हम ताल्लुकात की बात पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं, लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्यौहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें, योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। भारत का आगाज कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। मैंने तैयार कर लिए हैं अपने, रात को रखूंगी मेन गेट पे। और दिवाली के इस मौके पर चार दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त, वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीज़ें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये, एक दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ के, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ, भारत माँ जो है। नहीं, हाँ। मतलब जमीन एक है, जमीन एक है, क्या जमीन एक है, आपने पार्टीशन कर दिया, आपने दो पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है, कोई समझे ना समझे। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों, पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। दुनिया का असूल है, नफरती करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूँगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है, हमारे घर से तालीम, हमारे 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ
सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही जाके काम करता है वो, जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने। तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया है कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजबूत जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे जिंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियां ना खाई हो, फुलझड़ियां ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ तक जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मजहब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मजहब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है, नफरत करने के लिए कोई बहाना चाहिए। अगले का ज़ात, कौमियत, मजहब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफरत बहुत है। और नफरत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए। अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए, स्पेन इतना दूर हो के इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल, अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समंदरी रास्ते के जरिए तब भी लोग आते थे, जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफा अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ है यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है जो हैं मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे, इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज इंडिया ने बनाई है अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसीज ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। अब जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है वो वाला पार्ट जो है ना, तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है, ठीक है। 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, कि बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन, और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले एक महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है आसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है? हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं, लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्यौहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें, योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में, हैं पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है, बिल्कुल ठीक है। जो स्पिरिचुअल लीडर हैं जैसे स्वामी विवेकानंदा है, एक ओशो हो गया, ओशो ने अमेरिका में एक टेम्पल कायम किया था 1970 में, फिर उसके खिलाफ कोई मतलब FIRs वगैरह हुई थी। तो इंडिया का जो ये स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन, योगा और बाकी जो सारी टीचिंग्स हैं, ये पूरी दुनिया में प्रमोट हो रही हैं, ठीक है। मलेशिया में देखें आप, यूरोप में देख लें, यूरोप में कैपिटलिज्म ज़्यादा है, लोग काफ़ी मतलब डिप्रेस और परेशान हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो वो वहाँ पे प्रमोट हो रही है। दूसरा बॉलीवुड है, बॉलीवुड के ज़रिए उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हट के और कंट्रीज़ में भी है। मैं
मैंने तैयार कर लिए हैं अपने, रात को रखूंगी मेन गेट पे और दुआ भी पढ़ूंगी और उसके बाद आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी करूंगी जैसे हर साल करती हूँ। तो और आप लोग सब जो है यकीनन बहुत खुश होंगे, बहुत फेस्टिवल मनाया जा रहा होगा, बहुत से लोग बहुत बिजी होंगे। मुझसे तो ये भी कहा गया था कि जी आज तो कोई वीडियो नहीं देखेगा, तो चलो मैंने कहा ना नहीं देखेगा, अगर लोग बिजी हैं फेस्टिवल में तो अच्छी बात है, बिल्कुल बिजी रहे, लेकिन हम तो फिर भी वीडियो बनाएंगे और सबको मुबारकबाद तो देंगे ही। मिठाई आ चुकी है जी हाँ, मेरे घर भी मिठाई आ चुकी है और जाहिर है उसमें बर्फी भी है और लड्डू भी है और चमचम भी है, मुझे नहीं पता आप लोग चमचम को क्या कहते हैं, रसगुल्ला भी है, बहुत कुछ है। और साथ साथ जो काम है रूटीन के न्यूज के वो भी चल रहे हैं, जाहिर है न्यूज पर भी नजर रखनी है अब, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं से न्यूज जो है वो आना बंद हो जाए, तो डेफिनेटली वो सब कुछ भी जो है साथ साथ चल रहा है। पाकिस्तान